रिक्यूर प्लेक्सस क्या पढ़ते हैं? रिक्यूर प्लेक्सस में हमने तुम्हें कभी क्या हैंड तक की सब मसल्स पढ़ा दी थी? नहीं पढ़ा दी थी, नहीं पढ़ा दी थी, पढ़ाई थी? मतलब तुम्हें ये मसल प्लेन्स नहीं मालूम है कौन से? नहीं मालूम है ना, ये है मालूम। इसीलिए होता ही है कि जो ग्रेज एनाटॉमी हम लोगों की, उसमें सबसे पहले मायोलॉजी पूरी पढ़ा देते हैं। तो यहां तक तुम्हें सारे प्लेन्स मालूम है, तो अगर तुम्हें रस्ते मालूम है, रोड्स मालूम है पटना के थ्रू, तो नर्व कैसे जाएगी, वैसे कैसे जाएगी पता लग जाता है ना। जैसे मान लो कि हम लोग फर्स्ट ग्रिप से कूदे और सब क्लेविन आर्टरी के ऊपर कूदे, जैसे ही वो सब क्लेविन आर्टरी क्रॉस की, क्लेविकल को एक्सिलरी बन गई। अब अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, मान लो राइट साइड पे कूद रहे हैं, लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको सब क्लेविकल दिखेगी, फिर सब क्लेवियर दिखेगा, फिर सब क्लेवियर के बाद क्लेविपेक्टोरल फिंगर दिखेगा, फिर पेक्टोरिस माइनर दिखेगा, फिर सस्पेंसरी लिगामेंट दिखेगा, फिर वो आर्च दिखेगा जिससे कि हमको आर्म में जाना है, फिर हम आर्म में घुस जाएंगे और ब्रेक की लाटनी हो जाएंगे। तो जो विजुअलाइज कर सके एनाटॉमी, उसी ने असल में सीखी, बाकी सब का बेकार है, थ्योरी बेकार है। हमेशा यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज इन थ्री डायमेंशंस। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बात क्या है कि ये फ्लैट है, इसमें तीन डायमेंशन तो नहीं है। इस दो डायमेंशन से तीन डायमेंशन कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी सब सारी टीचिंग की सारी इतनी इशू। ऑलराइट, तो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो बिगनिंग वो ये है कि यहां पे एक वर्टिकल बॉडी है, इसके पीछे एक न्यूरल कैनाल है। अगर ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस इस तरह का है, एक इसका कॉस्टल एलिमेंट है और एक इसका सर्वाइकल एलिमेंट है, वर्टिब्रल एलिमेंट है। इन दोनों के बीच में एक फोरामेन है, इस फोरामेन को कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्स बॉडी। इसके बाद इधर की तरफ लैमिना है, ये जो जोड़ है पूरा का पूरा वर्टिब्रल बॉडी से इस सारे स्ट्रक्चर का, इस पूरे के पूरे चीज को कहते हैं पेडिकल, है ना। ये पूरा का पूरा पेडिकल है, यहां से लेके ये सब चीज जो है इस पेडिकल। इसके बाद ये लैमिना शुरू हो गया, लैमिना शुरू होने के बाद ये दिस इज द सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है। इस सर्वाइकल वर्टेब्रा में यहां पर वर्टेब्रल आर्टरी चलती है और इसके सेंटर में येलो कलर दे दो, येलो इसमें जो है यहां पे हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो सारी नर्व्स कहां से राइज करेंगी? स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड में इस जगह पे फैसेट्स होते हैं। ये फैसेट एक सुपीरियर सरफेस पे होता है, एक इंफीरियर सरफेस पे होता है। तो अगर वर्टेब्रा को इस तरह से देखो, सुपीरियर सरफेस का फैसेट इंफीरियर सरफेस के फैसेट से आर्टिकुलेट करता है, नीचे वाली वर्टेब्रा का ये सुपीरियर फैसेट इसके ऐसे आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया, यहां पे डिस्क होती है, ये इंटरवर्टेब्रल फोरमन हो गया। ऑलराइट, तो इसका मतलब फैसेट के नीचे से लाइक दिस डॉर्सल और वेंट्रल रेमाई मिलके नर्व रूट बनाते हैं, ठीक है। तो ये नर्व रूट, हाँ,
ये डॉर्सल रेटिना के ऊपर एक गैंग्लियन होता है जिसको कहते हैं डॉर्सल गैंग्लियन, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस की बिगनिंग नर्व रूट से, और ये नर्व रूट वर्टेब्रा में यहां से निकलते हैं, इंटरवर्टेब्रल फोरमेन से, ठीक है। तो जब कभी भी डिस्क की डिजीज होगी और ये डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसस, ये न्यूक्लियस पल्पोसस इस तरह से हर्निएट कर जाएगा टू द एनुलर फाइब्रोसिस ऑफ द डिस्क, इस रूट पे प्रेस करेगा और रूट प्रेशर के सिम्टम और साइन अपीयर हो जाते। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये नेक पेन का सबसे इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है अप्लाइड। अब ये रूट जो है, एक रूट यहां निकलेगी तो सात वर्टेब्रा होती है, एटलस के ऊपर एक रूट, तो तुम्हारी अगर वर्टेब्रल रूट बनानी हो तो अब ये दो डायग्राम हो गए, ठीक है। तीसरा डायग्राम ये है कि ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये अकाउस्टिक मेटस है, इधर इधर जायगोमैटिक प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे ये नोज है, ये एंटीनेजल स्पाइन है और ये माउथ है। यहां पे मैंडिबल है, ठीक है, यहां पे दांत है, ऑलराइट, ठीक है। और ये सर्वाइकल स्पाइन जो है इससे जो करके आते हैं इस तरह से सर्वाइकल स्पाइन निकल गया। तो जो कुछ भी मसल्स है नेक के वो या तो एक्सटेंसर्स हैं जो इधर से खींचेंगे, और या फ्लेक्सर्स। ये जो फ्लेक्सर मसल्स हैं यहां से फर्स्ट ग्रिप निकल रही है लाइक दिस, और ये फर्स्ट ग्रिप जाके मैनुब्रम स्टर्नाई को जॉइंट करते हैं, और इस जगह से इसी के जस्ट ऊपर से ये क्लेविकल निकल रही है जो हमने काट दी। वी हैव कट द क्लेविकल, इसका लैटर पोर्शन जो यहां स्कैपुला तक आ रहा है उसको हम लोगों ने यहां से काट दिया। तो जो फ्लेक्सर मसल है नेक के वो तीन तरह के, एक वो है जो वर्टेब्रा से ओरिजिनेट करके वर्टेब्रा पे इंसर्ट हो जाएंगे, दूसरे वो है जो वर्टेब्रा से ओरिजिनेट करके फर्स्ट रिब पे इंसर्ट होंगे, ठीक है। तो जो वर्टेब्रा से ओरिजिनेट करके जो फर्स्ट रिब पे इंसर्ट होते हैं मसल्स, उन मसल में सबसे आगे वाला मसल कहलाता है स्कैलेनस एंटीरियर। ये मसल जो है, दिस मसल इज कॉल्ड एज स्कैलेनस एंटीरियर। उसके बाद होता है स्कैलेनस मीडियस, उसके बाद दूसरा मसल होगा स्कैलेनस मीडियस, और तीसरा मसल जो सेकेंड रिब पे जाता है दैट इज स्कैलेनस पोस्टीरियर। और इसके बाद जो है मसल यहां पे पीछे स्कैपुला होगी, पीछे देयर विल बी स्कैपुला, क्योंकि इधर की तरफ से स्कैपुला लगी हुई है, यहां यहां इसका सुप्रा स्कैपुलर नॉच होगा, ये प्रोकोइड प्रोसेस होगा, और यहां पे तो वी नॉट कैविटी देख रही हो, राइट। इस तरह से स्कैपुला होगी। तो जो तीसरा मसल जो कहता है वो वर्टेब्रा से ओरिजिनेट करके स्कैपुला पे इंसर्ट होता है,
So that is called as levator scapula. There is scanalous anterior, medius, posterior, and levator scapula. वो वाले मसल्स जो कि वर्टेब्रा से अराइज होकर वर्टेब्रा पे इंसर्ट होते हैं और वो वाले मसल्स जो कि फर्स्ट रिब और फिर स्कैपुला पे इंसर्ट होते हैं। फाइनली जो मसल्स हैं वो जो तीसरा आर्च है दैट मींस यहां पे से एक्रोमियन आता है स्कैपुला में, एक्रोमियन और क्लेविकल पे तीसरे प्रोटो मसल अटैच होते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन से निकल के मसल कहां कहां अटैच हो रहे हैं? सर्वाइकल स्पाइन पे अटैच हो रहे हैं, फिर फर्स्ट रिब पे अटैच हो रहे हैं और फिर क्लेविकल और स्कैपुला पे अटैच हो रहे हैं। क्लेविकल और स्कैपुला पे अटैच होने वाले जो मसल्स हैं नेक से निकल के एक तो आगे है स्टर्नोमस्टॉइड स्टर्नोक्लीडोमस्टॉइड और पीछे है ट्रेपीजियस। ठीक है, तो अगर हम लोग सेकेंड रिब बना लें इसी के नीचे सेकेंड रिब होगी, तो ये बीच में इंटरकॉस्टल मसल होंगे। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड रिब बना लें तो ये वाला मामला हो गया कंप्लीट। अब सारा का सारा जो ब्रेकियल एक्सेस है यहां पे सबक्लेवियन आर्टरी आती है और स्कैलनस एंटीरियर के पीछे से निकल जाती है। एज सून एज इट प्रोसेस द फर्स्ट रिब इट बिकम्स एक्सेलरेटेड। इसी तरह से अगर हम इस क्लेविकल को थोड़ा सा और मिटा दें, थोड़ा और छोटा कर दें, तो फर्स्ट रिब के स्कैलनस एंटीरियर के आगे से सब क्लेवियन वेन आती है और यूं निकल जाती है एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी वेन। इस पॉइंट के बाद दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सिलरी वेन। ठीक है, और यहां पे स्कैलनस एंटीरियर की पहचान यह है कि दिस इज वन ऑफ द मसल्स जिसको यूं क्रॉस करके फ्रेनिक नर्व आगे जाती है। समझे, ये फ्रेनिक नर्व जो है वो स्कैलनस एंटीरियर को क्रॉस करती है, इससे पहचाना जाता है कि मसल कौन सा है स्कैलनस। ठीक है, तभी भी कहे कि स्कैलनस एंटीरियर कैसे पहचानोगे, डीप फेशिया काट के जिस मसल के ऊपर से जा रही है वो, और ये फ्रेनिक नर्व क्या करती है जिसके आगे चली जाती है। सॉरी, फ्रेनिक नर्व इस वेन के पीछे जाता है, तो दैट मींस द वेन इज ऑलवेज एंटीरियर टू द फ्रेनिक नर्व। ठीक है, अब हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो वर्टेब्रा से अराइज करता है, दैट मींस इस वर्टेब्रा से अराइज करता है, समझे, और इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व होता है, दैट मींस बिटवीन स्कैलनस एंटीरियर एंड स्कैलनस मीडियस अबव द आर्ट। सो दिस इज द प्लेन इन विच द ब्रेकियल प्लेक्सस इमर्जेस। ठीक है, इसी प्लेन में लोकल एनेस्थीसिया दे दो तो ब्रेकियल ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अब इस ब्रेकियल प्लेक्सस की कहानी क्या है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस कहां से शुरू हुआ, इन रूट से शुरू हुआ, ऐसे ये रूट्स निकली, ऐसे ये वर्टेब्रा से निकला, फिर ये जो है ये स्कैलनस एंटीरियर के पीछे आर्टरी के ऊपर मीडियस के आगे फर्स्ट रिब के ऊपर बाहर आए। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस की वही वाली कहानी है। यहां पे क्या करो, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 7 वर्टेब्रा 8 सर्वाइकल नर्व्स, क्योंकि एक नर्व एटलस के ऊपर भी होती है, C1 is above the atlas, atlas के ऊपर और नीचे दो नर्व होगी, इसलिए 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा हैं पर 8 सर्वाइकल नर्व, करेक्ट।
अब ये जो 3 4 5 है तो 3 4 5 6 7 8 1 ये बना दिया तुमने करेक्ट और इमीडिएटली क्या किया कि 5 और 6 मिला दी अपर ट्रंक बन गए 7 से मिडिल ट्रंक बन गए और 8 और 1 मिला दी तो लोअर ट्रंक बन गए ये अपर ट्रंक ये मिडिल ट्रंक और ये लोअर ट्रंक और इसके बाद तुमने इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन किए इस सेट के पोस्टीरियर डिवीजन से बन गया लैटरल कॉर्ड सारे पोस्टीरियर डिवीजन से बन गया पोस्टीरियर कॉर्ड और किससे बन गया मीडियल कॉर्ड लैटरल कॉर्ड से मस्कुलो कुटीनियस नर्व निकल गई पोस्टीरियर कॉर्ड से रेडियल निकल गई मीडियल कॉर्ड से अल्नर निकल गई और मीडियल और लैटरल कॉर्ड दोनों से मिलके मीडियल निकल गई तो चार मेजर नर्व जो अपर लिंब की हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सस से निकल गई अब अगर इनके ब्रांचेस की बात करें ब्रांचेस की बात करें तो 3 4 5 से निकली फ्रेनिक 5 6 7 से निकली नर्व टू सेरेटस एंटीरियर ये लॉन्ग थोरेसिक ऑल से निकली नर्व टू स्केलीन मसल्स स्केलीन एंटिकस मीडियल एंड पोस्टीरियर और रेमाई कॉम्प्लेक्स ठीक है ये ब्रांच हो गई इसके बाद निकली अपर ट्रंक से सुप्रा स्कैपुलर और नर्व टू सबक्लिनियर सुप्रा स्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लिनियर अब इमेजिन करो सुप्रा स्कैपुलर नर्व यहां पे एक ग्रीन देना ग्रीन है ग्रीनिश है क्लॉक ग्रीन दे दो यहां पे है ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट सॉरी हम तुम्हारा क्लास जो एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि अब हम 5-6 दिन के लिए हैं 7 दिन के लिए चले जाएंगे इन बच्चों से बात करने की इच्छा रहती है तो हमारा क्लास ले लेंगे है ना तो सबसे पहले ये होगा कि जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व निकली वो इस सुप्रा स्कैपुलर नॉच से पास हो गई और उसमें यहां पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल है स्पाइन के ऊपर यहां पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल आ रहा है और स्पाइन के नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस मसल आ रहा है यहां पे स्पाइनोक्लिनॉइड नॉच है तो ये नर्व ने क्या किया कि सुप्रा स्पाइनेटस को सप्लाई किया पीछे जाके और फिर स्पाइनोक्लिनॉइड नॉच से पास होके इंफ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई कर दिया और ये नर्व जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट मसल के साथ चलती है इसको हम लोग कहते हैं होमोफेरेटिस एक यहां पे मसल होता है होमोफेरेटिस होमोहेड की पोस्टीरियर बेली होती है और एक एंटीरियर बेली होती है जो हेड पे जाती है होमोहेड मसल के साथ ये नर्व रहती है होमोहेड को पकड़ो तो पकड़ पा जाएगी सुप्रा स्कैपुलर नर्व तो ये सुप्रा स्कैपुलर की कहानी खत्म हो गई अब नर्व टू सबक्लेवियस अगर हम लोग अपना जो है वो यहां से जो क्लेविकल निकली थी इसकी थोड़ा सा डायग्राम कंप्लीट कर लेते और यहां पे सबक्लेवियस मसल लगा लेते इस जगह पे सबक्लेवियस मसल लगा लेते हम लोग है ना तो ये जो फ्रेनिक नर्व आ रही थी ये इसके पीछे जा रही थी गई और नर्व टू सबक्लेवियस क्या करेगी कि यहां से ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली और उसने यूं जाके सबक्लेवियस को सप्लाई कर दिया ठीक है पर ये नर्व जो है वो धोखा खा जाती है इसका काम खाली सबक्लेवियस को सप्लाई करना नहीं है कभी कभी इसमें फ्रेनिक के कुछ फाइबर्स ट्रैवल करते हैं और वो फ्रेनिक के फाइबर जो ट्रैवल करते हैं वो इस वेन के नीचे से पास होके फ्रेनिक में मिल जाते हैं एक्चुअली
इस नर से एक हुक बन जाता है, एक हुक बन जाता है, समझे ना, ये हुक बन गया जिसके ऊपर ये वेन जो है हुक हो जाती है। ये देखो ये वेन जो है हुक हो गई, ये देख रहा ना, ये वेन हुक हो गई। फ्रेनिक ये तो इसकी सप्लेवियस नर्व, तो सप्लेवियस की ब्रांच निकली वेन के नीचे से पास होके फ्रेनिक नर्व में मिल गई, जिसने हुक कर दिया ना वेन को। इस नर्व को, इस छोटी सी नर्व को कहते हैं एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं एक्सेसरी। अब ये जो एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व है, ये इस पे वेन के ऊपर प्रेशर डालती है तो ब्लड फ्लो में स्पेसेस होती है, तो लिम में एडिमा हो जाता है और फाइनली जो है थ्रोम्बोस भी कर सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है वेन में। एक्सेसरी वेन थ्रोम्बोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व, छोटी सी नर्व है और ऐसी कम तैसी कर देगी, हर लिम में एडिमा रहेगा, वेन्स प्रोमिनेंट रहेंगी, कंपेयर करोगे तो वेन्स प्रोमिनेंट रहेंगी, वेन्स ड्रेन नहीं कर रही। अगर क्लॉटिंग हो गई तो सत्यानाश कर दिया, ठीक है। तो छोटी सी नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस इंपॉर्टेंट नहीं है और वो एक्सेसरी फ्रेनिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जो चीज एनाटॉमी में बहुत छोटी भी दिखती हो वो भी बहुत डेंजरस हो सकती है। तो अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि एक्सेलरी वेन में फ्लो कम हो रहा है, डॉपलर से मेजर कर रहा है, तो ये सोचना चाहिए कहीं एक्सेलरी फ्रेनिक तो नहीं, ठीक है। उसको तुम स्निप ऑफ कर दोगे या सबके स्निप ऑफ कर दोगे नर्व टू सबक्लेवियस से तो ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस की कहानी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद लैटरल कॉर्ड से और मीडियल कॉर्ड से निकलती है लैटरल पेक्टोरल और मीडियल पेक्टोरल, लैटरल पेक्टोरल और मीडियल पेक्टोरल। हमने तुमको ये बताया था कि अगर फटाफट डायग्राम बनाया तो ऑलवेज देख डायग्राम कि अगर ये क्लेरिकल है और ये स्टर्नम है, तो हमने तुम्हें ये बताया था कि यहां सबक्लेवियस मसल है, ये सबक्लेवियस मसल है यहां पे, और यहां पे जो कोरोकोइड प्रोसेस है, यहां पे जो कोरोकोइड प्रोसेस है इस तरह से, उस कोरोकोइड से जो मसल आ रहा है यहां पे, ये पेक्टोरलिस माइनर है, और यहां पे जो है लिगामेंट जो है, ये जो लिगामेंट है ये कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट है। तो ये जो फेशिया यहां पे था, ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया था, ये कॉस्टोकोरोकोइड मेम्ब्रेन थी, ठीक है। इस फेशिया में मैंने तुम्हें बताया था कि एक छेद था, इस फेशिया में एक छेद था यहां, और इस छेद से चार स्ट्रक्चर निकल रहे थे, बोलो, थोरैकोएक्रोमियल, सिफेलिक वेन, सिफेलिक वेन, लैटरल पेक्टोरल नर्व। लैटरल पेक्टोरल नर्व जो निकलेगी तो ये पेक्टोरल मेजर के नीचे निकलेगी ना, तो ये खाली पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करेगी लैटरल पेक्टोरल, ये मसल पेक्टोरलिस मेजर है, तो इट विल सप्लाई ओनली द पेक्टोरलिस मेजर। पर जो मीडियल पेक्टोरल निकलेगी वो पेक्टोरलिस माइनर को पियर्स करके पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करेगी, इसका मतलब मीडियल पेक्टोरल दोनों को सप्लाई करती है और लैटरल पेक्टोरल खाली पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है, समझ गए? ऑलराइट, तो लैटरल पेक्टोरल मीडियल पेक्टोरल हो गए। इसके अलावा हमने ये कहा नेक्स्ट कि मीडियल फ्रेनिकल नर्व ऑफ आर्म और फोरआर्म है, और फिर पोस्टीरियर कॉर्ड से हमने कहा अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, लैटरल डॉर्साइन, ये थोरैको डॉर्सल नर्व टू लैटरल डॉर्साइन, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, नर्व टू लैटरल डॉर्साइन और
ठीक, अगर तुम लोगों को वो वाला डायग्राम दिखाना चाहे, ठीक है, वो वाला डायग्राम दिखाना चाहे जो कि इन नर्व्स को चित्रित कर रहा हो, अपर लोअर सब कैपिटल और प्रेको डॉर्सल, तो हम लोगों को इंसान में कौन सा डायग्राम होना चाहिए, वो डायग्राम हम तुमको होना चाहता है, ठीक है। बहुत लंबा बोर्ड है तब उस पर हम लोग बनाते चले जाते। ये क्लिनॉइड कैविटी, ये सुप्रा क्लिनॉइड नॉच, ये कोरोकॉइड प्रोसेस, ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच, ये सुपीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर, बन गई स्कैपुला, ठीक है। इसके पीछे से स्पाइनल स्कैपुला आती हुई, ये एक्रोमियम, ठीक, ऑलराइट। इसके बाद हमने यहां बनाया हेड ऑफ ह्यूमरस, ये ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ये लैटरल एपिकोंडाइल, ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये कैपिटलम, ये ट्रॉकलिया, ठीक, ये कोरोनॉइड फॉसा, ये कोलोइड फॉसा, बन गई ह्यूमरस। इसके ऊपर हमने बनाया बाइसिपिटल ग्रूव और यहां बनाई लेसर ट्यूब्रोसिटी और ये बाइसिपिटल ग्रूव नीचे चला गया, बन गया, ऑलराइट। अब हमने इसमें क्या किया कि सबसे पहले यहां पे लगाया लिनोइड लेब्रम, क्या लगाया लिनोइड लेब्रम, फिर हमने लगाया सुप्राक्लिनॉइड नॉच से बाइसेप्स निकल के लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स निकल के यूं आता हुआ, ठीक है। उसके बाद कोरोकॉइड प्रोसेस से हमने एक निकाल दिया शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, तो ये बाइसेप्स मसल जो था इसके दो हेड हो गए, एक ये और एक ये, सही। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसके बाद हमने लैक्स पार्ट ऑफ कैप्सूल लगा दिया, इसके ऊपर कैप्सूल लगा दिया और यहां पे कैप्सूल का लैक्स पार्ट बना दिया, ठीक है, ये बाइसेप्स का टेंडन काट दिया, ये यहां से ये लैक्स पार्ट ऑफ कैप्सूल ही देखा, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद हमने यहां पे हमने सिक्स स्ट्रक्चर लगाने एस आई, तो ऊपर से हम लाए सुप्रा स्पाइनेटस, उसके नीचे लाए इंफ्रा, उसके नीचे लाए टीनीस, टीनीस मेजर इंफ्रा माइनर, करेक्ट, इसके नीचे लाए हम टीनीस माइनर, तो ये हमने टीनीस माइनर का ओवरिंग बना दिया, ठीक। अब इसके बाद हमको जो है लेडी बिटवीन टू मेजर करना है बाइसिपिटल ग्रुप पे, तो लेडी बिटवीन टू मेजर में हम इसमें पहला एक्टिविटीज मेजर, ठीक है, इस पहला एक्टिविटीज मेजर और इसके पीछे ले गए टीनीस टीनीस वाली और इसके बाद इसका चक्कर काटते हुए लाए लेटर सुमस, सही। अगर इसके अंदर हमने लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स डाल दिया गए कि इस स्ट्रक्चर में अगर हमने लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स डाल दिया जो कि इसके पीछे से निकलती हो जाता है, तो हमारे मीडियल ट्रायंगुलर स्पेस, लैटरल ट्रायंगुलर स्पेस बन गया और क्वाड्रेंगुलर स्पेस बन गया, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड पे हमने कह दिया कि इस लेसर में ये सब स्कैपुलर है, ये सब स्कैपुलर है, ऐसे तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस की अपर बाउंड्री हुई सबस्कैपुलरिस लैक्स पार्ट ऑफ कैप्सूल टीनीस माइनर, मीडियल बाउंड्री हुई लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लैटरल बाउंड्री हुई सर्जिकल लेग ऑफ ह्यूमरस, लोअर बाउंड्री हुई टीनीस मेजर, मीडियल ट्रायंगुलर स्पेस की बाउंड्री हुई टीनीस माइनर टीनीस मेजर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लैटरल
ह्यूमरस पे इसकी बाउंड्री हुई लेटर समोस डॉर्साइट डिजीज मेजर ऊपर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ठीक क्वाड्रेंगुलर स्पेस के थ्रू पास होगी अब हम बना देते हैं यहां पे हम बनाते हैं आर्टरी और काट देते हैं आर्टरी को ये आर्टरी आ गई ठीक और इस आर्टरी के पीछे आई पोस्टीरियर कॉर्ड ये पोस्टीरियर कॉर्ड सीधी इस लैटरल ट्राइंगुलर स्पेस से निकल के रेडियल ग्रूव में चली गई और यहां से चक्कर काट के दिस बिकम द रेडियल नर्व यहां तक रेडियल नर्व निकली पोस्टीरियर कॉर्ड ठीक है लैटरल कॉर्ड कहां है लैटरल कॉर्ड यहां है मीडियल कॉर्ड कहां है मीडियल कॉर्ड यहां है और इन दोनों से निकल के मीडियल नर्व बन रही है इस तरह से ठीक है अब इससे एक नर्व को सप्लाई की अपर सबस्कैपुलर दूसरी ने सप्लाई की लोअर सबस्कैपुलर तीसरी ने सप्लाई की लेटर समस डॉर्साई सब आस पास है ना कोई कंफ्यूजन नहीं और चौथी जो है वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से पास होके उसने यो चक्कर काट दिया इसको कहते हैं एक्सिलरी या पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल नर्व इसने क्या किया कि एक तो किडनी स्पाइनल को सप्लाई कर दिया यहाँ पे और इस ब्रांच की एक खास बात होती है जो टीनीस माइनर को सप्लाई करता है कि इसमें सूडो गैंग्लियन होता है और बाकी यहाँ स्पाइन और स्कैपुला से इस पे इंसर्ट होता हुआ डेंड्रोइट फिब्रोसिटी इंसर्ट होता हुआ डेंड्रोइट मसल है तो बाकी ने क्या किया डेंड्रोइट को सप्लाई किया और यहाँ पे आके रेजिमेंट बैक एरिया में स्किन को सप्लाई किया ठीक है अब इसके अलावा ब्रेकियल पेरिसेप्स की चार मेजर ब्रांचेस बची एक की कहानी है मस्कुलोकुटेनियस दूसरी की कहानी है रेडियल तीसरी है मीडियल और चौथी है अल्नर तो जब तक कि आर्म के और फोरआर्म के मसल क्लेन्स में जा रहा हूं तब तक उन पर चर्चा करना व्यर्थ है ठीक है तो ये मेरे ख्याल से ब्रेकियल प्लेक्सस की पोजीशन है अगर हमें ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाना तो वैसे पढ़ाएंगे तुम्हें कुछ ऐड करना हो तो कर दो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है क्या डिफिकल्ट है बस ऑडियो रिलेशन होना चाहिए दैट मीन मेरी साउंड और मेरी ड्राइंग अगर रिलेटेड है तो उसका मतलब फिर आ जाएगा बनाना आसान है अगर रबर और पेंसिल लेके बैठो जिसमें मिटा सको जैसे मैंने ये मिटा दिया अगर मैं ऐसे मिटा सकूं तो मैं बहुत बढ़िया डायग्राम बना सकूं ठीक है एंड ऑब्वियसली इस कोरोकोइड प्रोसेस से एक मसल है जो पेक्टोरिस माइनर है एक मसल है कोरेकोब्रेकियलिस और एक है शॉर्टेड ऑफ बाइसेप्स तो जब तुम्हें ये कहती है एक्सिला की लैटरल बोन कोरेकोब्रेकियलिस और बाइसेप्स से बनती है तो ऑब्वियसली एक बनती है उसमें डाउट ही नहीं और जब मीडियल बॉर्डर से ओरिजिनेट करके सेरेटर हटिया ऐसे रिज में इंसर्ट होगा तो दिस विल फॉर्म द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्सिला तो वीडियो डालोगे तो में जाएगा ना थोरसिक के तो देख ली तुम लोगों ने एक्सिला दिखा दी सेक्शन में सिर्फ कल कल दिखाया गया है एक्सिला अच्छा बस अब इसको बंद कर दो